चाइनीज मॉड्यूल टास्क फ्रॉड का उपयोग कर 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को साइबर क्राइम भोपाल की टीम द्वारा इंदौर से किया गिरफ्तार। यह मध्यप्रदेश की पहली गैंग है जो सीधा चाइनीज ग्रुप के संपर्क में है। आरोपी टेलीग्राम एप्लीकेशन पर कई चाइनीज ग्रुप में है ऐड। आरोपी ट्रांसलेट कर चाइनीज भाषा में करता है खाता बेचने हेतु चैट। आरोपी द्वारा कई फर्जी एंटरप्राइजेस के नाम पर तैयार किए करंट बैंक खाते। आरोपी चाइनीज आरोपियों को देता है खाते का फुल एक्सेस। आरोपी चाइनीज को उनके द्वारा डेवलप की गई प्राइवेट एप्लीकेशन के माध्यम से देता है खाते का फुल एक्सेस। आरोपी द्वारा बैंक खाते से संबंधित सभी भौतिक साक्ष्यों को कर देता है नेस्ट। आरोपी द्वारा चाइनीज आरोपी के संबंध में दी गई जानकारी के आधार पर की जा रही है विवेचना। साइबर क्राइम भोपाल को गिरफ्तार आरोपी के अन्य साथियों की जारी है तलाश। संवाददाता अमृता शर्मा की रिपोर्ट। कोलार ब्रांच के जो मैनेजर हैं उनका नाम इसमें जो है वो आ रहा है, साथ में उनके नीचे जो लोन डिस्पर्स करने डिप्टी मैनेजर हैं उनका नाम भी आया है स्टेटमेंट में। जो इसमें एवरेजर है, जो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर होता है, उसका नाम भी आ रहा है कि उन्होंने जो क्वालिटी चेक करने का प्रोसेस होता है उसको बाईपास करते हुए उसकी क्वालिटी को एट पार जिस लेवल पर जाके लोन मिलता है उसका बताया है। हालांकि जब इनके जो एनुअल इंस्पेक्शन में जब उसको चेक किया गया तो ये पाया गया कि उसकी क्वालिटी वो नहीं है जो डॉक्यूमेंट्स पे दी गई है जिसके आधार पर लोन दिया गया है। तो उस व्यक्ति का भी जिसने लास्टली चेक करके इनके बैंक के इंस्पेक्शन में रिपोर्ट लगाई है कि गोल्ड की क्वालिटी खराब है, उस पर लोन दिया जाना उचित नहीं होगा, उसके स्टेटमेंट भी लिए गए हैं। उसने उस स्टेटमेंट में भी ये बताया है कि आमतौर पर ये जो वैल्यूअर होते हैं वो अनुचित लाभ लेने के लिए और इस प्रकार से बैंक मैनेजर्स को और उनको ऑबलाइज करने के लिए इस प्रकार की रिपोर्ट बनाते हैं और उसमें करप्शन करते हैं। तो इस प्रकार के इस मामले को हम लोगों ने पंजीबद्ध किया है जिसमें 409, 420, 120 बी में FIR कर ली गई है। चार अपराधी जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कुछ मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के भी लोग हैं जिन जो इसमें लोन लेने वाले हैं उनके नाम भी हमने शामिल किए हैं, उनको पकड़ने के लिए जल्दी ही यहाँ से टीम रवाना करेंगे। क्राइम ब्रांच में ये शिकायत करीब 3-4 महीने पहले प्राप्त हुई थी जिसमें बैंक के ही एक सीनियर रीजनल हेड जो है उन्होंने शिकायत की है कि क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं वो इस बात पर जांच करें कि जो बैंक्स में लोन गोल्ड लोन दिए जा रहे हैं जो उसमें लोन गिरवी रखा जाता है वो उनके एनुअल इंस्पेक्शन में पाया गया कि बहुत सारे अकाउंट्स में जो लोन रखा गया उसकी क्वालिटी जो है वो 16 कैरेट जो उनका स्टैंडर्ड है उससे कम पाया गया उसको। और कुछ अकाउंट्स में ये भी पाया गया कि जो कोलैटरल के लिए गोल्ड रखा जाता है गिरवी रखने के लिए वो गोल्ड रखा ही नहीं गया, वो सेफ में नहीं पाया गया, ना ही उसकी कोई जानकारी वहाँ पर पाई गई है। तो इस मामले में थाना कोलार में भी एक जांच हुई थी क्योंकि ये ICICI की कोलार ब्रांच का मामला है। उसके बाद हमारी जो SIT गठित हुई थी जिसमें SUP मुख्तार कुरैशी और इनकी टीम ने इस मामले की जांच की थी और उसमें ये पाया कि टोटल इस प्रकार के करीब 36 खाते हैं 10 बेनिफिशरीज के जिनमें या तो अकाउंट में गोल्ड जो है वो गिरवी रखा ही नहीं गया या जो उसकी क्वालिटी थी वो बहुत ही खराब थी, फेक गोल्ड इसको कहा जा सकता है, और उसके बनिस्बत लोन जो है वो डिस्बर्स किया गया है। कुछ कुछ खातों में ये भी देखने को मिला है कि 2 या 3 बार भी लोन दिया गया है डिस्पाइट कि वहां पर या तो गोल्ड है ही नहीं या फिर उसकी क्वालिटी खराब है। तो इसमें जिन बैंक के कर्मचारियों के नाम शामिल किए गए हैं उसमें से 4 गिरफ्तार हो गए हैं। टोटल में से चार गिरफ्तार हमने कर लिए हैं। उसमें 3 जो हैं वो एवरेजर हैं जो कि जो गोल्ड रखा जाता है उसकी क्वालिटी को जांचते हैं, उन्होंने भी उसमें डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी की है, उन्होंने भी उसकी क्वालिटी को सही से वहां पर